Morning, children. So now today's marigold book class 2. Okay, के लिए हैं बच्चों के लिए. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हैर. क्या बोल रही है ये बच्ची कि इस कविता में एक छोटी सी लड़की है जो उसकी दादी माँ के बारे में बोल रही है. हमें उसकी दादी माँ है जो अपनी दादी माँ से वो अपनी बालों में कंघी करवाती है. ओके, और कहती है कि इस प्रकार दादी माँ उसका बहुत बालों में कंघी करके फिर कोकोनट ऑयल रब करके उसकी दादी माँ उसका बहुत ख्याल रखती है. नारियल तेल भी लगा देती है देखो उसकी दादी माँ. ओके, और फिर इस तरह से उसकी दादी उसके बालों में कंघी करने के बाद उसकी सराहना भी करती है. ओके, इस ओके नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोयम. ओके, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर. ग्रैनी मतलब कि दादी माँ. दादी माँ मेरे बाल. दादी माँ प्लीज़ मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. ओके, ग्रैनी 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 मतलब के दादी माँ. कॉम मतलब के कंघी करना. बालू हेयर मतलब के बाल. ओके, तो आपको ये वर्ड सारे वर्ड मीनिंग लिखना है. ओके, कॉम सी यू एम बी कॉम मतलब के कंघी करना. ओके, नाउ बालों में कंघी करना. ओके, फिर यू ऑलवेज टेक योर टाइम. आप हमेशा सही समय पर. ओके, टेक योर टाइम मतलब कि सही टाइम मतलब कि समय. ऑलवेज हमेशा. ओके, ऑलवेज मतलब कि हमेशा. ओके, यू ऑलवेज टेक सच केयर. केयर मतलब कि संभालने. ऐसे केयर करना मतलब कि ध्यान देना. ओके, मतलब कि ध्यान रखना. ओके, किसी भी चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते तो हम बोलते हैं कि केयर करना. ओके, सच केयर. ओके, टेक सच केयर. तो क्या कहती हैं कि आप हमेशा सही समय पर मेरा ध्यान रखती हैं. ओके, यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन मतलब कि कुशन मतलब कि हम तकिया बोलते हैं ना ऐसे. देखो यहाँ पर कुशन. ओके, नाउ कुशन गद्दी है ना जो स्मॉल कुशन आती है पीलो हम जिसे बोलते हैं. ओके, तो क्या करते हैं कि यू पुट मी. पुट मतलब के रखना. टू सीट ऑन अ कुशन बिटवीन योर knee. knee knee हम जानते हैं घुटने के बीच में कुशन रख के आप मेरे क्या बोलते हैं घुटनों के बीच में बिठा कर घुटने के पास बिठा कर. सीट मतलब के बिठाना. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. ये क्या बोलते हैं कि आप कोकोनट ऑयल मुझे आपके घुटनों के पास कुशन कुशन है उसकी तरह कुशन पे बिठाकर फिर आप हेयर ऑयल मेरे रब रब करना मतलब कि रबिंग करना है ना घिसना. देखो यहाँ पर हेयर ऑयल कोकोनट ऑयल मतलब कि हेयर ऑयल जो आप मेरे कोकोनट ऑयल पे ऑयल ऑयल जब ऐसे रगड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिजी पार्टिंग जेंटल अ ब्रिजी मतलब कि ठंडी हवा का एहसास होता है. ऐसे बोल रहे हैं कि पार्टिंग जेंटल एंड ब्रिजी मतलब कि ब्रिजी मतलब कि ठंडी ठंडी हवा का एहसास होना. ओके, देखो हमारी भी हमारी दादी या हमारी मम्मी हमारे सिर में है ना तेल की मालिश करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. ओके, दिमाग में तो यही बोल रही है कि आप मेरे बालों में थोड़ा सा नारियल तेल ऐसे रगड़ती हो जिससे ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है. दादी ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. यू हैव ऑल टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड. क्या बोले कि आप दुनिया के ऑल वर्ल्ड मतलब कि दुनिया के का सारा समय लगाकर जब जब काम पूरा करती हैं फिनिश योर वर्क. क्या बोलती कि आप दुनिया का सारा समय लगाकर जब काम पूरा करती हैं तो आप हमेशा क्या ऑलवेज यू हॉल ऑलवेज टर्न माय हेड एंड से नाउ हु नाइस गर्ल. हुज अ नाइस गर्ल. क्या कहती कि आप हमेशा मेरा सिर घुमाकर कहती है कि अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है. ये क्या कह रही है गर्ल के
दादी माँ आप जब अपना सिर में तेल लगाना ओके फिनिश कर देते हो, मसाज करना फिनिश कर देते हो, आप अपना दुनिया का सारा काम समय लगा कर दुनिया का सारा समय लगा कर जब काम पूरा करती हो और हमेशा मेरे सिर घुमा कर, क्या बोलते कि मेरे सिर घुमा कर, मतलब कि मुझे आप कहती है कि हु इज़ नाइस गर्ल, मतलब कि आप पूछती हो कि अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। इस तरह ग्रानी अपनी बच्ची की मतलब कि पोत्री की ओके सराहना भी करती है ना, और उसकी उसकी बालों में मसाज कर देती है ओके। तो इसी तरह ग्रानी बहुत टेक केयर करती है किसकी, ये छोटी सी बच्ची की ओके। आपकी भी दादी माँ आपकी बहुत सी टेक केयर करती होगी ना ओके। नाउ न्यू वर्ड्स हैं तो आपको न्यू वर्ड्स में लिखना है कॉम हेयर टाइम ओके ऑलवेज पुट ओके कुशन क्नी कोकोनट ऑयल जेंटल पार्टिंग जेंटल ब्रिजी ब्रिजी मतलब कि हवा का झुका ओके ठंडी हवा का झुका रब रब करना मतलब कि घिसना ओके वैन मतलब कि जब ओके फिनिश मतलब कि काम पूरा करना ऑलवेज काम खत्म हो गया है ना ऑलवेज मतलब कि हमेशा ओके इस तरह से हेड एच ए डी हेड आपको मालूम ही है ना। तो नाउ केयर मतलब कि ध्यान देना संभाल ध्यान रखना ओके कुशन कुशन मतलब कि एक छोटी सी पीलो है ना स्मॉल पीलो नी घुटनों घुटनक बीच जेंटल जेंटल मतलब कि क्या होगा बच्चों जेंटल जेंटल मतलब कि यहाँ देखो बच्चों पार्टिंग जेंटल एज ए ब्रीजी जेंटल मतलब कि यहाँ है सॉफ्ट हल्का सा है हल्का सा ठंडा हवा का झोंका ओके इस तरह से ब्रिजी मतलब कि पवन की हवा की ले ठंडी सी हवा मंद वायु ओके फिनिश फिन वर्ड ओके वर्ड मतलब कि वर्ल्ड मतलब कि दुनिया और नाइस नाइस मतलब कि सुंदर ओके अच्छा बहुत ही प्यारा ओके। नाउ ये आपको सारे वर्ड मैंने जिस तरह से बोले आपको राइट करना है आपकी नोटबुक में। पहले तो आपको ये पोएम राइट करनी है ओके पोएम राइट करनी है ओके फिर नेक्स्ट ये पूरा पोएम राइट करके न्यू वर्ड राइट करना है। और नाउ क्वेश्चन आंसर है बच्चों यहाँ पर देखो रीडिंग इज द फन फिर ये क्वेश्चन आंसर 1, 2 और 3 आपकी नोटबुक में राइट करना है ओके। नाउ मैं लिस्ट पढ़ती हूँ व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट टू हर ग्रैनी टू डू तो हर क्या बोल रही कि ये लिटिल गर्ल है तो क्या चाहती है तो क्या करना द लिटिल गर्ल वांट टू हर ग्रैनी टू कॉम हर है क्या चाहती है छोटी सी बच्ची चाहती है कि उसकी ग्रैनी उसके हेयर कॉम कर दे बाल बना दे है ना। फिर सेकंड है व्हाट डज द ग्रैनी रब ऑन हर हर हेयर तो ग्रैनी रब हर लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर ओके लिटिल कोकोनट ऑयल हर हेयर ओके। डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी यस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनीज हम भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं ना। फिर नेक्स्ट है लेट्स टॉक द डू योर ग्रैंड मदर पेरेंट्स लिव विथ यू अगर आपके दादाजी आप लोगों के साथ रहते हैं ग्रैंड पेरेंट दादा दादी तो येस राइट करना है अदरवाइज नो राइट करना है ओके। येस माई ग्रैंड फादर लिव विथ मी ओके मेरे साथ रहते हैं अदरवाइज नो लिखना है। डू यू स्पेंड सम टाइम विद हेम येस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम ओके। फिर हाउ डू यू हेल्प देम आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स विद द रीडिंग बुक ओके एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप लिख सकते हो ओके। फिर नेक्स्ट है लेट्स सी तो व्हाट यू डू कॉल ये लिखना नहीं है बच्चों ओके ओनली ये रीडिंग के लिए ओके। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को क्या कहते हो तो दादी माँ कहते हैं ना दादी माँ। एंड आई कॉल माई ग्रैंड मदर क्या कहेंगे ग्रैंड फादर को हम क्या कहेंगे अपनी लैंग्वेज में दादाजी ओके। व्हाट यू डू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज तो हम अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड फादर को क्या कहेंगे दादाजी। डू यू नो एनी ओल्ड पीपल
कैन यू नेम देम, तो इस तरह से आप किसी आपके से आपके स्टेट में, मतलब कि आपके गांव में है, सीरी मोहल्ले में, कि आपके नज़दीक में कोई ऐसे दादा दादी जी रहते हैं जिनके बारे में आप जानते हो, तो उनके नेम यहाँ पर राइट करना है, ओके लिखना है। तो हाउ कैन यू मेक द देम हैप्पी डिस्कस विथ योर क्लास। अभी आप अपने दादा दादी को कैसे हैप्पी कर सकते हो, ओके तो इसकी डिस्कशन आपको करनी है, ओके हाउ कैन यू कैन मेक देम हैप्पी, उनको हम कैसे हैप्पी रखते हैं, तो आई कैन मेक देम हैप्पी बी द टॉकिंग विद देम एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, ओके तो क्या करते हैं, हम जब खेलने जाते हैं, अदरवाइज आपके स्कूल की बातें हैं जो आपके दादा दादी से शेयर करेंगे, ओके शेयर करना मतलब कि उनको बताना, और वही इस बात को सुन के हैप्पी हो जाते हैं, ओके फिर हैव यू एवर गोन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, हैव यू एवर गोन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, यस आई वेंट टू शिमला विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बोलेंगे, हैव यू एवर गोन आउट योर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि कभी बाहर गए हो, यस तो मैं गई थी, आई वेंट शिमला विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो आप अपने आप लिख सकते हो ऑन माई विलेज गए थे ना, जाते हो ना, ओके नाउ तो इतना आपको आज के लिए करना है। आपका होमवर्क क्या है बच्चों, देखो आपका होमवर्क रहेगा ये, आपकी नोटबुक में राइट करना है पोयम, फिर न्यू वर्ड राइट करना है, ओके फिर नेक्स्ट आपको क्या राइट करना है, ये 1, 2, 3 क्वेश्चन राइट करना है, फिर आपको ये सारी बातें बोलनी है, ओके राइट नहीं करनी, लिखना नहीं, ओके नाउ एक्सरसाइज है वर्ड मीनिंग, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ओके यू मे यूज दिस लेटर एनी ऑर्डर ऑन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब कि ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनका वर्ड का कोई भी लेटर यूज करके आप वर्ड बना सकते हैं, और इसकी देखो यहाँ पर क्या बोले, यूज एनी ऑर्डर मतलब कि किसी भी कोई भी वर्ड लेके इसमें से आप बना सकते हो, तो देखो यहाँ पर है 1 रेंट RENT रेंट एक बना, तो फिर सेकेंड है ग्रांट, ओके मैंने बनाया है यहाँ को लिखना है ग्रांट, फिर है डी डट, ओके टेंट, इस तरह से बना सकते हो, ओके नियर्ड ओके ईयर्स एंड रेट एंड स्टार, ओके इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके फिर है देखो यहाँ पर समटाइम वी रिप्लेस नेम अ पीपल विद अनदर वर्ड इंस्टेंट ऑफ रिपेंटिंग द नेम, प्लीज रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, क्या बोल रहे हैं कि हम कभी कभी अपने नाम के अलावा अनदर वर्ड यूज़ करते हैं, ओके तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना है इन फिल इन द ब्लैंक करना है। अगर देखो बच्चों मैं एक बात बोलूँ कि हम अपने बारे में किसी को और को बता रहे हैं, अगर अपने बारे में बोल रहे हैं तो आई यूज़ करना है, ओके ये ग्रामर में टॉपिक है आपके लिए, मैं करवा दूँगी, हमने देखा था सी ईच, ओके तो मैं ये हमने यू भी देखा था है ना जनरल इंग्लिश की में टॉपिक में ये सारे देखा था, तो आई है जो मैं अपने लिए बोलूँगी, हमारे लिए बोलना है, ओके अगर कोई दूसरी गर्ल्स के बारे में बोलना है, अगर मेरी आपके फ्रेंड के बारे में बोलना है तो गर्ल है तो उस सी यूज़ करना है, ओके फिर अगर वो बॉय है लड़का है तो उसके बारे में बोलना है तो ही यूज़ करना है, ओके फिर आप दूसरों के बारे में बोलते हैं, ओके कुछ ऐसा बोलना चाहते कि तुम क्या कर रहे हो तो उस तुम के लिए यू यूज़ करेंगे, ओके ओके फिर अपनी चीज़ों के बारे में ऐसे कुछ माय ये हमारे लिए यूज़ होगा, ओके ईट मतलब कि कोई चीज़ के लिए यूज़ होगा, चलो हम फिल इन द ब्लैंक देखते हैं उसके ऊपर से आपको ज़्यादा से अच्छा से समझ में आएगा, ये मैंने आपको करवाए हैं जनरल इंग्लिश में तो आप इसकी वीडियो भी देख लें, सीट वाली टॉपिक करवाई है, ओके डीप में, ओके मीना इज़ प्लेइंग विथ अ डॉल, तो डैश ही इज़ अ गर्ल मतलब कि मीना के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, ओके विथ डॉल के मीना डॉल के साथ खेल रही, तो डैश ही इज़ अ गर्ल, तो मीना कौन है, गर्ल है, गर्ल है इसलिए यहाँ पर सी, ओके फिर राम इज़ अ क्लाइंबिंग अ ट्री, राम झाड़ पेड़ पे चढ़ रहा है, राम है लड़का है तो इसके लिए ही, ओके ही इज़ अ बॉय, फिर
सेकेंड है डू नॉट ईट द मैंगो मैंगो के बारे में है, दैट इज नॉट राइट। ओके, मतलब कि डू नॉट ईट मतलब कि हम आम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? कि मतलब कि वो पका नहीं है, तो आम के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर ई। समझ में आया बच्चों? अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो सी, लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो ही, एंड डू नॉट ईट मतलब कि कोई चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो ईट यूज करना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज बच्चों। यहाँ पर देखो, लेट्स राइट, सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक, मेक अ लिस्ट थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक एंड विथ यू फॉर देम। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एंड अ द बिफोर ईच थिंग्स। अभी क्या बोल रहे हैं कि हम अब जब बाहर जाते हैं, ओके, दो तीन दिन के लिए के वीक के लिए बाहर जाते हैं, अगर आप भी गए हो इस तरह से ग्रैंड पेरेंट के साथ में, तो आप कौन कौन सी चीज़ आपके साथ ले जाते हो? ओके, पैकिंग करते हो ना, तो कौन कौन सी चीज़ ले जाते हो? तो यहाँ पर ए और एन का यूज़ करके उन चीज़ों का नाम लिखना है। तो ये भी मैंने करवाया था, ए एन एन द, तो आर्टिकल ए एन एंड अदर यूज आपको मैंने करवाया। तो आप यहाँ देख लो, अ टूथ ब्रश तो अ सोप तो अ टॉवेल ओके, अ सूटकेस अ हैंडबैग ओके, अ बुक अ गेट अ वाटर बॉटल एंड अ साड़ी फॉर ग्रैंडमा एंड द टीकर। ओके, इस तरह से आपको वर्ड लिख देने हैं। ओके, फिर है यहाँ पर फन टाइम है, मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स नीड। अभी ये आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो आपको घर पे करनी है। अभी आप फ्री हो, कोरोना के वजह से घर पे रह रहे हो, स्कूल भी नहीं आना है, तो आपको क्या करना है, एक 12 इंच का एक चार्ट पेपर लेना है एनी कलर का। ओके, 9 इंचज़ x 12 ये चार्ट पेपर लेना है, और उस पर पेंसिल पेन पेंसिल स्टिकर डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, और एक थैंक यू कार्ड बनाना है। ओके, तो आपको भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना है, जो मैं मुझे भी बाद में जब स्कूल चालू होगी तब मुझे चेक करवाना है। मतलब कि ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको घर पर करना है। एक चार्ट पेपर लेना है, 9 by 12 inches का एक पेपर लेना है, उस पर कोई पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, फिर स्केच पेन स्टिकर डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, उस पर थैंक यू लिखना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है मेक दिस वे मतलब कि फोल्ड पेपर इन टू, पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है। ओके, फिर ड्रॉ अ स्टिकर पिक्चर ऑन इट मतलब कि स्टिकर स्टिक करना है पिक्चर, एंड राइट मैसेज इन इनसाइड बिगिन विद मतलब कि कार्ड बनाना है, इस तरह से कार्ड बनाना है, फिर उसको फोल्ड करना है। ओके, फिर अपने दादा दादी के लिए मैसेज बनाना, मतलब कि यही करना है। ओके, एक्टिविटीज़ हमारे पास दिवाली कार्ड होता है ना, और आप इस तरह से थैंक यू कार्ड अपने दिवाली कार्ड लिखा आपने, इस तरह से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इस तरह का कार्ड बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है दिस आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंडफादर एट हिज हेट टाई मॉस्क्यूट ग्लास स्टिक माउस टेक एक्सेट्रा, राइट इच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, कलर द पिक्चर्स एंड राइट हिज नेम। मतलब कि यहाँ पर आपको पिक्चर में कलर करना है। ओके, फिर ये सारे हेड बनानी है, स्टिक बनाना है मतलब कि दादाजी की लकड़ी बनाना है। ओके, यहाँ पर इस तरह से, फिर दादाजी की लकड़ी बनानी है, यहाँ पर कैप बनानी है। ओके, किस तरह की कैप होगी, यहाँ पर अच्छी तरह से दादाजी को अच्छी लगे इस तरह से केप बनानी है, फिर मोस्टिक बनानी है, मूछें बनानी है। ओके, बड़ी बड़ी मूछें बनानी है। ओके, टाई पहनाना है, इस तरह से टाई पहनानी है, फिर उसमें कलर करना है। ओके, स्लीपर में कलर करना है। ओके, पेंट में भी कलर करना है, ग्लासेस। ओके, ये पूरे पिक्चर में करना है। आप टोपी है, देखो यहाँ पर टोपी थोड़ी थोड़ी है, तो आपको अच्छे से बनानी है। ओके, मैं फिर नेक्स्ट है ये आपको
पिकनिक यहाँ पर है, एक फैमिली जो पिकनिक के लिए गई हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर इस साइड में आपको लिखना है। ओके, वन फैमिली हैज़ कम टू द एंजॉय फैमिली, मतलब कि कम टू द एंजॉय फैमिली, मतलब कि एंजॉय करने हैं। देर आर ईटिंग फूड टुगेदर, मतलब कि देखो यहाँ पर ईटिंग फूड टू केदर, एक दूसरे के साथ फूड है ना, फूड टुगेदर। फिर रीमा इज़ पिकिंग अ वेपर, मतलब कि रीमा, देखो यहाँ पर ये लड़की है रीमा, जो पिकिंग कर रही है, मतलब कि वेपर जो पड़े हैं फ्रॉम द ग्रीन ग्रास पे वो ले रहे हैं। द फैमिली एंजॉइंग द ईटिंग, मतलब कि खाना भी एक दूसरे के साथ खा रहे हैं। ओके, विमला आंटी सर्विंग द फूड, मतलब कि ये हमने अपने अकॉर्डिंग, हमने मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो आपको भी इस तरह से विमला आंटी इज सर्विंग फूड टू द ग्रैंड मदर, यहाँ पर नेम नहीं है। ओके, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नेम ले लेना कोई। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल विथ हिज फादर। विमला आंटी इज टॉकिंग अलिट पीपल्स पेरेंट्स और देम, ओके ये दादी माँ है उनके साथ बातें कर रही है आंटी, है ना। फिर उत्सव, इसका नाम मैंने उत्सव दे दिया है, तो उत्सव इज फिशिंग विथ हिज ग्रैंड फादर, ये उत्सव है जो अपने ग्रैंड फादर के साथ में क्या कर रहे हैं, तो फिशिंग कर रहा है। तो आपको भी इस तरह से थोड़े सेंटेंस खुद बना के यहाँ पर लिखना है ये पिकनिक के बारे में। तो अभी आप क्या करना है इसमें कि आपके ने भी नाम डाल सकते हो, आपके दादा दादी के नाम, ये मम्मी है, ये पापा है, और ये आप बन जाओ। ओके, ये आपका भाई है और ये आपकी बहन है, इस तरह से। अदरवाइज़ आप लड़की हो तो आप ये गर्ल बन जाओ, ये दोनों आपके भाई हैं, इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में लिख रहे हो कि मैं अगर लड़का हूँ तो आई प्ले विथ माई फादर, फुटबॉल प्ले विथ माई फादर, प्ले फुटबॉल विथ माई फादर, आई फिशिंग फिशिंग विथ माई ग्रैंड फादर। ओके, नाउ इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। देखो यहाँ पर इस तरह से आपको सेंटेंस राइट कर देने हैं। ओके, फिर ये आपको भी ये वर्ड भी लिख देना है। ओके, यहाँ पर जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हैट है, टाई है, स्टिक है, स्टिक मतलब कि लकड़ी दादाजी की है ना, फिर रिस्ट वॉच है, घड़ी है ना, माउस टेच मतलब कि पूछे, ओके, स्लीपर है, पैंट है, ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी बना देने हैं। ओके, यहाँ पर दादाजी ने पहने नहीं है पर आपको बना देनी है। ओके, टोपी भी बना देनी है। ओके, दादाजी जिस तरह से टोपी पहनते हैं फैट की तरह नहीं पहनते हैं, ओके, इस तरह से आपको पागड़ी की तरह टोपी बना देनी है। अदरवाइज आपके दादाजी जिस तरह के पहनती हैं उस तरह से। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 9 इज कम्प्लीट बच्चों, तो आपको होमवर्क करना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।